हमारा को नहीं पहचानते हैं। स्टील फैक्ट्री बा, स्टील फैक्ट्री है। हाँ, टाटा वाला ही जे बा। आरा में सारा व्यवसाय ठप हो गया है और सरकार का गलत रवैया के वजह से सरकार अपना ही आमदनी कम कर देगी तो मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा। आरा में क्या है अभी आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। आरा के स्थिति बहुत खराब है। विकास पर हम लोग है, ये वो कस्टमर का है ना, ये सब नरेंद्र मोदी का देन है कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। अब ऐसे ज़्यादा बेरोजगार चाहिए हम लोग का। आरा में तो बहुत कुछ बा लेकिन यहाँ पर रोजगार मंदा चला था, ठप बा। आरा का तो स्थिति बहुत खराब बा। आरा में काबा। लकड़ी व्यवसायी ने कहा कि इतना बेरोजगारी है कि आज हम मजदूरों को हटाकर अपनी मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम आरा में काबा। कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा। आरा में सारा व्यवसाय ठप हो गया है और सरकार का गलत रवैया के वजह से सरकार अपना ही आमदनी कम कर देगी तो मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा। और सरकार शौचालय बना रहा है, रोड बना रहा है, रोज जो है कि नहीं ओवर ब्रिज बना रहा है, लेकिन सरकार पब्लिक को नौकरी नहीं दे रही है। बात समझ गए? जब तक सरकार नौकरी नहीं देगी पब्लिक को, पढ़े लिखे लोगों को, तब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा और बिजनेस ठप रहेगा ही। आरा में दो दो मंत्री हैं, विकास कर रहे हैं आरा का। आरा वो दर्शन उनका नहीं होता है, आते हैं काला चश्मा पहनकर, काला शीशा के अंदर गाड़ी से निकल जाते हैं, किसी का हाल चाल पूछने के लिए उनको समय नहीं है। विकास नहीं आ रहा है, विकास कुछ नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप स्थिति, देख रहे हैं दुकान खोलकर दुकानदार बैठा हुआ है लेकिन ग्राहक का पता नहीं है। इसका वजह क्या है? पब्लिक के पास यदि पॉकेट में पैसा रहेगा तो मार्केट करने के लिए जाएगा, और सरकार अपना ही आमदनी बंद करके सारा मजदूर लेबर को बंद करके काम धंधा ठप करके और अपना भूमिका बना रही है, तो इसमें गरीब आदमी जिएगा? इसमें बड़े बड़े कंपनी जी रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी को बड़े बड़े ठेकेदार चल रहा है, खूब ठेकेदारी चल रहा है दम भर, और जिसमें छोटे छोटे ठेकेदार जो हैं सब मर गए हैं। इनका पास ना कोई रोजी रोटी है ना कोई धंधा है, सब रोड पर घूम रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गया, बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ गया। आप यहाँ से देख लीजिए वहाँ तक, किसके दुकान में कई ग्राहक है, आप चौक से लेकर के स्टेशन तक चले जाइए, कितनी दुकान खुली है और कितने उसमें ग्राहक है। किसी के पास जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तो क्या सामान खरीदेगा वो। देखिए हम लोग, हमको 50 कारीगर खटाने की क्षमता है लेकिन सरकार के गलत रवैया के वजह से टूट चुके हैं, और देखिए अपना काम मजदूरी कर रहे हैं, अपने से खुद कर रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में, देखिए पेट भरने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या होगा खर्चा, हर पब्लिक को हर घर में 10 तरह का है, और आमदनी यहाँ बैठ करके ठक ठक कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं। रोजी रोटी पेट भरने बढ़ा रहा है, अपना रोजी रोटी मजदूरी निकाल रहे हैं किसी तरह। एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा गया कि आरा में दो मंत्री हैं, कितना विकास कर रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए हम लोग भोजपुर का, हमारा को नहीं पहचानते हैं, हम भोजपुर जिला के वासी हैं, वार्ड नंबर 5 मेरा घर है, झोपड़पट्टी है। आज तक कोई नेता अभिनेता लोग आया, झूठों को दिलासा दे करके चला गया। आज वोट के लिए दुआरी पर जाते हैं कि नमस्ते नमस्ते, ये आपका हल जुनत पूरा हो जाएगा। कहाँ हल पूरा हो रहा है, हम लोग देखिए भूखे मर रहे हैं, सब रोड पर सलाइसी, ना ओढ़ने का ऐसी जगह है, ना रहने का घर है, खाली झोपड़पट्टी में लगा करके थी। कुछ नहीं कर रहे हैं। पूर्व सैनिक ने बताया कि आरा में बहुत कुछ है पर रोजगार की कमी बा। कहा कि यहाँ के दो मंत्री हैं पर आज तक हमने नहीं देखा है कि उनका चेहरा कैसा है। उनसे जानेंगे आरा में काबा। आरा में तो बहुत कुछ बा लेकिन यहाँ पर रोजगार मंदा चला था, ठप बा। ग्राहक आ नहीं रहे, पैसा है नहीं तो ग्राहक आएगा कहाँ से, सामान पड़ा हुआ है, कारीगर भूखे रह रहे हैं। अभी लगन का भी लगन का कुछ नहीं चल रहा है, आदमी नहीं, ग्राहक नहीं है, तो बिकाएगा तभी तो हम लोग खाएंगे। आरा के दो दो मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। आरा के मंत्री तो दिखाई नहीं देते हैं, आरा के मंत्री आरा में दिखाई नहीं देते हैं, जब दिखाई देंगे कुछ धांधली हो जाएगा तब।
तो अभी धाधली तो नहीं है कि दिखाई देंगे। बड़े बड़े कार्यक्रमों में आते हैं लोग? कहाँ आते हैं लोग, हमको तो देखा हुआ कितना दिन हो गया, देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं है, अभी तो 6 महीना हो गया देखे हुए। आर के सिंह अच्छा बताइए, अलमेंदर सिंह कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हाँ बालू अभी वो भी बंद है, खाली आराम में बालू बात वो भी बोल बंद है, वहू पर धांधली है, बढ़ गया है। आ, बहुत हालत खराब। अच्छा बताइए आरा में क्या बात? आरा में तो बहुत कुछ बात, लेकिन आरा के विकास के नाम पे कोई कुछ होत नहीं है, खाली झूठों के आरा में ये कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है आरा में। दो दो मंत्री हैं, कुछ नहीं। अरे मंत्री हैं तो मंत्री गरीब के लिए थोड़ी वो लोग हैं, वो तो बड़े बड़े आदमियों के लिए, हम लोग गरीब आदमी के लिए थोड़ी। हम लोग इतना शौक से उन लोग को वोट देते हैं कि हम लोग का आरा का विकास होना चाहिए, लेकिन कहाँ आरा का विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गरीब आदमी है तो गरीब हो रहा है, अमीर आदमी अरीमे हो। नीतीश कुमार जी भूतपूर्व सैनिक का दारूए बंद कर दिए, मिलना चाहिए कि नहीं? भूतपूर्व सैनिक का सेंट्रल गवर्नमेंट का दारू क्यों बंद हुआ? हम लोग कहाँ जाएँ दारू पीने? सरकार तो हमको दारू पिलाया था, अब दारू बंद हो गया, बस हमारा यही कहना है। लकड़ी व्यवसायी ने बताया कि आरा में पूरी तरह से व्यवसाय ठप हो गया है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अपने मजदूरों को हटाकर अपने से मजदूरी करने पर मजबूर हैं। आरा में का बा? आरा का तो स्थिति बहुत खराब बा, जौन की देहात चर चर को पद पद को दस दस को आदमी खड़त रहे, आज एको आदमी नहीं है खड़त, अपने से खड़त नहीं जाए। आप लोग अपने से काम? हाँ अब क्या करी जाए, अब कसहू अपन दाना घास चलाओ तो नहीं जाए। परेशानी बढ़ गई बहुत बहुत। आरा के दो दो मंत्री हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत आरा की स्थिति बहुत खराब है, अब देखिए देखते हैं ना, अपना ही से आप लोग खट रहे हैं। ठेला चालक युवक ने बताया कि यहाँ कुछ नहीं है, बस बेरोजगारी है, जैसे तैसे हम लोग ठेला चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं। कुछ युवा हैं उनसे जानेंगे आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा? आरा में क्या है अभी आज की दुनिया में? कुछ भी नहीं है, गरीबी है यहाँ पर, सब भूख मर रहा है, हम लोग के कमीनी नहीं हो रहा है, सब कैसे चलेगा? आप ही बताइए, नहीं कमाएंगे तो कहाँ ना खाएंगे हम लोग? आपका आरा का दो दो मंत्री हैं, कुछ करते नहीं हैं? क्या करते हैं बस, क्या करेंगे वो, अपने फलक के लिए सब मरता है, दूसरे के लिए कौन मरता है? यहाँ पर आप क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। पेट नहीं भरता उसे? पेट काहे भरेगा, कोई कंपनी होगा तब ना पेट भरेगा, मेरा पेट भरता है, बाल बताए पेट भरता है? कहाँ कैसे भरेगा बताइए ना आप, कैसे भरेगा? क्या कहेंगे, उनका पेट भर रहा है तो मैं हम लोग के भरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। महिला ने बताया कि आरा की स्थिति बहुत खराब है और रोजी रोजगार सब ठप है, मैं हार्ट की रोगी हूँ पर पैसों के बिना मेरा दवा नहीं हो रहा है। एक महिला है उनसे जानेंगे आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा? आरा के स्थिति बहुत खराब बा, रोजी रोजगार सब बंद बा, स्थिति ठीक नहीं है, मजदूर स्थिति बहुत खराब बा, मजदूरा को काम नहीं मिल रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है, बहुत स्थिति खराब है, भूखे मरने की नौबत आ रहा है। विकास होता आरा में? आरा में मंत्री लोग विकास करते लोग? कहाँ विकास लोग रहा है? विकास नहीं हो रहा है? नहीं, सब विकास बंद है, पढ़ाई बंद है, प्राइवेट से कैसे कैसे चल रहा है, बच्चा को पढ़ाई सब खत्म है, कहाँ विकास है, ना स्कूल से सरकारी से कहाँ सुविधा कुछ मिल रहा, तबीयत खराब रहते हैं, दवाई के बीरों के कितना स्थिति खराब है, घर में झेल रहे हैं, मेरा भी हार्ट का तबीयत खराब है, पैसा बिना हम दवा नहीं कर रहे हैं, कैसे कैसे टैबलेट खा के हूँ जिंदा है, बहुत विकास नहीं हो रहा है। नहीं, क्या नाम है आपका चाचा जी? चाचा जी बिमला देवी नाम है। तो एक युवा है उनसे जानेंगे आराम का, बताइए आराम में का बा? हेलो आराम में का बा? आराम में तो 4 लाइन का काम शुरू हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोयलोर से डायरेक्ट डुमरा होते हुए बक्सर तक 4 लाइन बन रहा है और मैं देखा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और विकास का काम हो रहा है और आरा स्टेशन का तो रौनक ही बदल गया है। पहले छोटा पुल था, अब बड़ा पुल हो गया है और पहले तो अपने से चल कर आदमी सीढ़ी चढ़ता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक सीढ़ी चढ़ने वाला मशीन ही बन गया है, सब लोग अपना से खाली वहाँ पर सीढ़ी पर खड़ा हो जाइए और अपना सीढ़ी आपको पहुँचा दे रहा है, तो बहुत सारा विकास हो रहा। और पहले
तीन प्लेटफार्म था आरा स्टेशन, अब चार प्लेटफार्म हो गया है और बढ़िया बढ़िया गाड़ी यहाँ स्टेशन विकास हो रहा है आरा में, आरा में विकास हो रहा है। और दूसरा चीज कि पुरवारी गुमटी में पूरा जाम लग जाता था, अब फोर लाइन बस स्टेशन से लेकर और सीधे आपको गोंडा रोड तक डायरेक्ट मिला दे रहा है एकदम, माने कि फोर लाइन के बन गया है थी ओवर ब्रिज बनने से रेलवे में विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत विकास हुआ है सड़क और रेलवे में। पूरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आरा का रहने वाला हूँ। लकड़ी व्यवसायी युवक ने मोदी सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में बेरोजगारी बढ़ गया है। कोची के चुनाव के बारे में आरा में क्या क्या है, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो उतना नहीं है, काम करते हैं, मजदूरी मिल ही रहता है, अब इससे परेशानी क्या चाहिए? आरा के दो-दो मंत्री विकास कर रहे हैं। हाँ विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ देख ही रहे कितना विकास पर हम लोग है, ये वो कस्टमर गए थे ना, ये सब नरेंद्र मोदी का देन है कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। अब ऐसे ज्यादा बेरोजगार चाहिए हम लोग का, एक रुपया का ग्राहक ना आ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा, एक रुपया का ग्राहक ना आ रहा है हम लोग का। तो नरेंद्र मोदी जो जो सोच के उनको हम वोट दिए थे, हम लोग एकदम बैठा दिए, जब से वो आए हैं तब से जब से वो हमारे देश में आए हैं तब से ज़्यादातर हम लोग बेरोजगारी कर दिए। हम लोग उनको वोट देते हैं लेकिन वो लोग हम लोग एकदम साफा रुवा दिए हैं, जान जाइए। एक दिन भी नहीं आके देखते हैं कि हम लोग कौन स्थिति से गुजर रहे हैं, रोजगार नहीं चल रहा है, एक रुपये का भी रोजगार। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन तब पर भी हमको अभी भगवान पेट दिया है, हमको दुकान ना चलेगा तो क्या खाएंगे। हम लोग कम पढ़े लिखे को दिल्ली या बम्बे तो ना जा सकते हैं परिवार को छोड़कर, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को हम हर एक साल उनको वोट देते हैं लेकिन ऐसा हमको रुआ रुआ दिए, मतलब पूछिए मत कि जो ग्राहक नहीं पहुँच रहे। अरे भैया उतना हमारे पास पूंजी नहीं है कि उतना भी पूंजी हम लगा सके। मान लिया जाए कि हमको 50,000 का रहती है और 50,000 में खाना है पीना है, बच्चा को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, इसमें भी अति करना है, 8 घंटा का हम लोग 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, जान जाइए। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, जान जाइए। अजय शर्मा,